देखो बाबा ने कहा है, ये मुरली के अंदर श्रीमत है कि बच्चे बचपन से लेकर अब तक आप अपनी हर गलती को जानते हो, कौन से विकर्म हुए, पाप कर्म हुए, सब कुछ जानते हो। पिछले जन्म का भले नहीं जानते हो, इस जन्म का तो सब कुछ मालूम है। अब साकार में बाबा होते थे और बाबा को सुना देते थे, वो बात अलग थी। अभी अगर मान लो कि आप निमित्त को भी बताना नहीं चाहते हैं, इसीलिए कि कहीं ऐसा ना हो कि उनका दृष्टिकोण मेरे प्रति बदल जाए, तो कोई बात नहीं, बाबा ने तो श्रीमत दी हुई है कि बच्चे लिख करके आप दे दो। लेकिन ऐसे नहीं कि बार बार वो गलती करते रहे और बार बार बाबा ने कहा इसलिए लिख करके देते जाए, ये नहीं चलेगा, उससे माफ नहीं होगा। मातेश्वरी जी कहते थे हमेशा कि पुरुषार्थ उसको कहा जाता है कि जो गलती हो गई वो दोबारा रिपीट नहीं होनी चाहिए, तब कहेंगे कि हाँ मैंने पुरुषार्थ किया। अगर मेरे से बार बार वो गलती होती जाती है तो फिर मैंने पुरुषार्थ क्या किया? पुरुषार्थ तो किया नहीं। तो जो चीज का पुरुषार्थ ही नहीं है तो भगवान भी कैसे उसमें रियायत दे सकते हैं। तो इसीलिए मान लो कि आपने रियलाइज किया ये गलती है और ये गलती दोबारा नहीं होनी चाहिए, तो आप बाबा से लिख करके देते हो, पूरी सिचुएशन को लिख करके दो और फिर दृढ़ संकल्प भी करो बाबा के सामने कि बाबा मैं प्रॉमिस करता हूं आगे से दोबारा ये गलती रिपीट नहीं होगी। तब जाकर के जो लिखा है उसमें आधा माफ हो सकता है ना, लेकिन उसके बाद सचमुच परीक्षा आएगी। परीक्षा माया भी देखती तो है ना, तो इसीलिए परीक्षा आएगी और फेल हो गए तो फिर वो लिखा हुआ में आधा माफ नहीं होगा क्योंकि वापस उसके वश हो गए। तो इसीलिए जब लिख करके दो, प्रॉमिस करो साथ में, और माया टेस्ट करने आएगी लेकिन उस समय इतना जागृत हो जाओ कि ये माया आई है मेरी परीक्षा लेने के लिए और बाबा के सामने मैंने दृढ़ संकल्प किया है तो अब मुझे उसके वश नहीं होना है, तब जाकर के बाबा फिर माफ करेगा। क्योंकि बाबा भी कहते माया मेरी आज्ञाकारी बच्ची है, मैं माया को कहता हूं कि देखो जाओ बच्चे ने दृढ़ संकल्प तो किया है, प्रॉमिस किया है, लेकिन देखो ये क्या प्रॉमिस रखता है या नहीं रखता है। और इसीलिए माया दो चार दिन में ही आएगी और जैसे ही आएगी तो हमें माया को अच्छी तरह से पहचानना है और उसके परवश नहीं होना है। अगर पास कर दिया उसके बाद बाबा माफ करेगा, तब तक नहीं। इसीलिए कहा कि बाबा को लिख करके दो, लेकिन फिर क्या करो? तो बाबा को जब लिख करके देते हैं तो जब मधुबन आते हो, मधुबन में बाबा के कमरे में जो एक भंडारी होती है पत्र, बाबा के नाम पत्र, उसमें डाल दो। उसमें डालने से सहज हो जाएगा, आपका मन भी नहीं खाएगा, बाबा के घर में आपने स्वाहा कर दिया, वो कमजोरी सदा के लिए आपके यहाँ से विदाई ले लिया। इसलिए बाबा के कमरे में आप सोचेंगे यहाँ कोई पढ़ेगा, यहाँ किसी के पास पढ़ने का टाइम नहीं है। इतने सारे पत्र रोज के पेटी भर करके निकलते हैं, कौन बैठ के पढ़े और किसका किचड़ा क्यों कोई पढ़ करके अपने अंदर समाना चाहेगा? बिल्कुल नहीं। वो सारे पत्र जो बाबा के नाम होते हैं कोई नहीं पढ़ता है और उसको सीधा जाकर के बॉयलर में जला दिया जाता है, और जल गई वो कमी कमजोरी आपके जीवन में से भी जल गई, ये समझ लो। तो इसीलिए जब आप मधुबन आते हो, मधुबन बाबा के बेहद घर में, उस भंडारी के अंदर आप डाल दो और उसको डालने के बाद आप निश्चिंत हो जाओ, हल्के हो जाएंगे। तो इसीलिए जरूर है, लेकिन ये प्रॉमिस जरूर करना होता है बाबा को कि दोबारा ये रिपीट नहीं होगी और बाबा की आज्ञाकारी बच्ची माया आएगी परीक्षा लेने के लिए, लेकिन क्योंकि देखेंगी तो सही ना कि आखिर भी प्रॉमिस किया है तो कितना उस प्रॉमिस पर रहते हैं, दृढ़ रहते हैं या कमजोर पड़ जाते हैं। तो इसीलिए जैसे ही माया की परीक्षा आए, बस दृढ़ संकल्प के साथ उसको ओवरकम करना है।
तब जाकर के यह आधा माफ हो जाता है। ठीक है।